जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और वो इकलौता ऐसा सीजन था जिसमें हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को खेलते देखा था। उसके बाद से अब तक आईपीएल के 16 सीजन बीत चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने को तरसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से दुनिया और भारत के दिग्गजों ने इनको आईपीएल में खेलने देने को लेकर वकालत की है, उसे देखकर अब ये लगने शुरू हो गए हैं कि अब हमें आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेलते नजर आ सकते हैं। क्या है पूरा मामला जानते हैं, अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मतलब है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में किए गए 2008 मुंबई आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान भारत के रिश्तों में पड़ी दरार ने दोनों देशों के बीच खेल को भी रोक दिया था, जिसके बाद भी पाकिस्तान ने सुधरने का नाम नहीं लिया और अब हालात ये हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच कोई सीरीज भी हुए दशक से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की टीम T20 फॉर्मेट का एक मजबूत हिस्सा बनकर उभरी है और यही कारण है कि पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर और टॉम मूडी ने आईपीएल में पाकिस्तान खिलाड़ियों को लेकर अपनी पसंद जाहिर की है। उन्होंने आईपीएल के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान को किसी एक फ्रेंचाइजी द्वारा चुने जाने का समर्थन किया है। ऐसे में आपको बता दें कि टॉम मूडी ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को अपनी पहली पसंद बताते हुए कहा कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान और शादाब खान पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ी हैं और इन्हीं सभी खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान के पास 2020 फॉर्मेट के लिए कई ऑप्शंस खुल जाते हैं। वहीं मूडी के दिए गए इस बयान का समर्थन करते हुए दूसरी ओर मांजरेकर ने लीग में शामिल करने के लिए दो अन्य पाकिस्तानी सितारों का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये मैं महसूस करता हूं कि हरीश राव अपनी डेथ बॉलिंग के कारण पसंदीदा खिलाड़ियों के रूप में उभर सकते हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज फखर जमान भी लोगों को अपनी बल्लेबाजी से आकर्षित कर सकते हैं। मांजरेकर ने आगे कहा कि हरीश राव डेथ ओवरों के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है। मैं उनके बल्लेबाजों से ज्यादा उनके गेंदबाजों के बारे में सोचता हूं। लेकिन कुछ टीमों के लिए फखर जमान एक दिलचस्प ऑप्शन होंगे। उन्होंने बाबर और रिजवान के एंकर स्टाइल बल्लेबाजी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब दोनों साथ बल्लेबाजी करते हैं तो मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूं। ऐसे में आपको बता दें कि 2008 में ही इकलौता ऐसा आईपीएल हुआ था जहां पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल सीजन का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई थी, जहां कामरान अकमल, यूनुस खान और सोहेल तनवीर विजयी राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। इसके अलावा शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, सलमान बट और शुएब अख्तर ने भी लीग में हिस्सा लिया था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में कभी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेलते दिखते हैं या नहीं, और देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि क्या इन दो देशों के बीच कभी सीरीज का आयोजन किया जाएगा या नहीं। वैसे इस पर आपका क्या मानना है? क्या आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।